बीएड के साथ ही मेरी जॉब पटवारी में लग गई थी, मैंने पटवारी की जॉब की जयपुर। इसके साथ ही मैंने 2018 का आरएस मेल्स भी दिया था, उसमें मेरा क्लियर हुआ था, पर इंटरव्यू के बाद मुझे फाइनल पोस्ट नहीं मिली। आरएस में मैंने मेल्स की टेस्ट सीरीज दी थी बहुत सारी, और सारा मेरा सेल्फ ही रहा वो जॉब के साथ। यानी कि पटवारी की हो या फिर वीडियो हो या फिर लेक्चरर हो, ये तीनों आपने सेल्फ स्टडी से किया था। यानी कि वो सही कहते हैं कि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में छोटी मोटी एग्जाम ये जो भी आती है साइड में उन्हें भी देते रहा करो। सर प्रीलिम्स के मार्क्स मेरे 110 थे, जिसमें मैंने फोकस मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस में किया, तो इसलिए जो मेरे को रिजल्ट मिला तो बिल्कुल अप्रत्याशित रिजल्ट मिला। 5 महीने में मैंने 70-80 पेपर लिख दिए थे। 70-80 पेपर। टुडे वी हैव मिस्टर राजेश चौधरी, आरएस 2021 टॉपर। इन्होंने आरएस 2021 में 120 रैंक सिक्योर की है। आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे और आज सर आपको बताएंगे कि प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी की जाती है, मेंस के लिए कैसे तैयारी की जाती है और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की जाती है। और अगर आप जीरो से तैयारी करने वाले हैं, जीरो से आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको सर आज वो भी बताएंगे। आपकी जो भी क्यूरी है वो आज की इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं सर के इंट्रोडक्शन से। प्लीज सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मेरा नाम राजेश चौधरी है और मैं जयपुर ज़िले के फागी तहसील का रहने वाला हूँ, और मैं अभी वर्तमान में 2021 में राजस्थान तहसीलदार सेवा में चयनित हुआ हूँ। इस भर्ती में मेरी रैंक 120 रही है और मैं अभी एक ट्रेनी आरटीएस के रूप में कार्य कर रहा हूँ सर। और सर अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज सर अभी 29 है। 29 है, तो ये आपकी पहली जॉब है? नहीं सर, मैंने इससे पहले 2-3 जॉब और की। तो थोड़ा मेरे को उसके बारे में बताइए, लाइक आपकी पहली जॉब कौन सी थी, आपने इसकी तैयारी कब की और कैसे की, सेल्फ से की या फिर कोचिंग से की, आप ये सब डिटेल में बताइए। आप 12th से स्टार्ट कीजिए, 12th के बाद क्या हुआ था? सर 12th के बाद में मैंने बीएससी किया है मैथमेटिक्स से सुबोध कॉलेज से। इसके बाद मैंने बीएड किया है, क्योंकि जनरली राजस्थान का स्टूडेंट बीएड कर ही लेता है, तो मैंने बीएड किए और उसके बाद मैंने पीजी हिस्ट्री से किया है। तो बीएड के साथ ही मेरी जॉब पटवारी में लग गई थी, मैंने पटवारी की जॉब की जयपुर जिले में। उसके बाद मेरी जॉब वीडियो में लग गई थी, तो मैंने स्टडीज के पर्पज़ से जॉब शिफ्ट कर ली थी वीडियो। इसके बाद मैंने हिस्ट्री में थोड़ा काम किया और मैं नेट जेआरएफ भी रहा और हिस्ट्री में स्कूल लेक्चरर भी रहा। इसके साथ ही मैंने 2018 का आरएस मेंस भी दिया था, उसमें मेरा क्लियर हुआ था, पर इंटरव्यू के बाद मुझे फाइनल पोस्ट नहीं मिली। और मैंने स्कूल लेक्चरर के साथ साथ ही आरएस 2021 की तैयारी की और उसमें मैंने 120वीं रैंक प्राप्त की। तो ये सब आपने कैसे किया, 3-3 एग्जाम क्वालिफाई करना, और सेल्फ स्टडी से किया था या फिर कोचिंग से? सर मैंने पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से की थी, और मैंने जो पूर्व जॉब थी तो उनके लिए तो कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं की थी। इस जॉब के लिए मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज की थी और आरएस में मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज दी थी बहुत सारी, और सारा मेरा सेल्फ ही रहा और जॉब के साथ। यानी कि पटवारी की हो या फिर वीडियो हो या फिर लेक्चरर हो, ये तीनों आपने सेल्फ स्टडी से किया था जी। उनमें आपने क्या क्या फॉलो किया? बुक्स जी ओनली? हाँ मैंने बुक्स फॉलो की, और फिर बाद में जैसे कोई अच्छे नोट्स हों तो वो नोट्स भी पढ़े मैंने, और बाकी पुरानी जॉब में मैंने बुक्स ही प्रिफर की थी। ओके, तो आपको जॉब लगने के बाद आप उनमें सेटिस्फाइड नहीं थे या फिर क्या बात थी जो आपने आरएस की प्रिपरेशन की? देख मैंने आरएस की प्रिपरेशन के बारे में कॉलेज टाइम से सोचा हुआ था और मुझे फाइनली ये जॉब करनी थी, पर उसकी प्रिपरेशन के दौरान उसकी ये जॉब्स लग गई, क्योंकि सेम सिलेबस मैच करता है थोड़ा, तो इसकी वजह से वो जॉब मेरी लग गई थी। और मैंने इसके बाद में जॉब की भी, मैंने 6-7 साल जॉब भी की है और इसके बाद में इसमें। यानी कि वो सही कहते हैं कि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में छोटी मोटी एग्जाम ये जो भी आती है साइड में उन्हें भी देते रहा करो। जी, हर व्यक्ति के पास प्लान बी होना चाहिए। हाँ। और उसी के तहत मैंने तैयारी की, और जॉब अगर आप मेहनत करते हैं तो लग जाती है जॉब, और वो जॉब मैंने की। हालांकि जॉब के साथ तैयारी करने में काफी कठिनाई महसूस होती है, मुझे खुद को लगता है कि अगर मैं जॉब नहीं करता और शुरू से टारगेट आरएस का रखता तो शायद मेरा जल्दी हो जाता पिछले वैकेंसी में, थोड़ा ये भी रहता है। पर जो प्लान बी होता है वो आपको मोटिवेशन देता रहता है फाइनेंशियली। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी जॉब लग गई थी, उसके साथ भी आप फिर प्रिपरेशन कर रहे थे है ना, तो फिर वो जॉब के साथ में प्रिपरेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आपने वो सब मैनेज किया, क्योंकि जॉब भी करनी है फिर आपको तैयारी भी करनी है, तो वो सब कैसे मैनेज होता है? मैनेज में सर मैंने इसके साथ जो साइड एक्टिविटीज थी, सोशल एक्टिविटीज, वो बंद कर रखी थी। जैसे शादी समारोह में जाना, गांव जाना, ऐसी चीजें मैंने बंद कर रखी थी जो जॉब के सुबह शाम टाइम मिलता था उसमें पढ़ते थे, और उसके साथ जैसे एग्जाम में पास में आता था तो थोड़ी छुट्टी वगैरह की व्यवस्था कर लेते थे और छुट्टी के साथ थोड़ा तैयारी कर लेते थे लास्ट में, तो इसके साथ ही मैंने ऐसे मैनेज किया। ओके, और आपकी पहली जॉब कौन सी एज में लगी थी?
सर मेरी पहली जॉब लगभग 22 21 किया था लगभग। यानी एक तरह से टाइम पे लग गई थी जी जिस टाइम पे ऐसे। जी बिल्कुल। ओके तो सर अब मैं जानना चाहूँगा आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में कि लाइक प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करें, मेंस के लिए कैसे आपने की, वो सब जी बताइए थोड़ा बहुत। देखिए सर, इसमें तैयारी दोनों की कंबाइंड होती है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, दोनों में कॉमन होते हैं, प्रीलिम्स में भी होते हैं, मेंस में भी। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में होते हैं, तो जो मेंस के सब्जेक्ट हैं वो प्रीलिम्स में मेंस की तैयारी करें, उनके कंसेप्ट तैयार करें, उनके नोट्स तैयार करें मेंस के अकॉर्डिंग, और जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट है उनको प्रीलिम्स की तरह तैयार करें कि इनको इतना ही तैयार करें कि प्रीलिम्स जितना काम निकल जाए अपना। और क्योंकि प्रीलिम्स एक लेवल से उसको पास करना पड़ता है, उसके बाद में इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, वो तो मेंस में अपीयर होने के लिए एक टेस्ट होता है। तो प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट कॉमन थे उसके लिए मैंने लास्ट तक अच्छे से तैयारी की थी, उनके नोट्स तभी तैयार कर लिए थे, और उनको इसी माइंडसेट से पढ़ा था कि इसको मेंस में भी काम में आएगा। तो बुक्स शुरू में चूज करते टाइम ये ध्यान रखा था कि यही बुक्स अपने को मेंस में पढ़नी है, तो ज़्यादा वाइड नहीं फैलाना है, और दोनों की अलग अलग नहीं करके कम्बाइंड तैयारी करनी। और ये कौन से अटेम्प्ट में हुआ था आपका आरएस में? सर मेजरली मैंने पूर्ण तैयारी के साथ ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। और फिर आपने उसके बाद और कोई एग्जाम दिया? उसके बाद मैंने 2023 का मेंस भी दिया है वो कैसा रहा? सर, वो काफ़ी अच्छा रहा है, और मैंने रैंक इम्प्रूव के लिए किया, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी रैंक इम्प्रूव तो होगी। अब आगे आपने अभी 2024 वाला रहा वो भी देंगे? नहीं सर, अब नहीं दूंगा, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि 2023 में मेरा हो जाए। ठीक है। जी ओके सर, तो अब आप मुझे बताइए आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के और प्रीलिम्स के, तीनों के मार्क्स बताइए। जी सर, प्रीलिम्स के मार्क्स मेरे 110 थे, और उस साल कट ऑफ 84 रही थी उस साल कट ऑफ, और इसके बाद में मैंने मेंस किया था, मेंस में मेरे 371 मार्क्स थे, और इंटरव्यू में मुझे थोड़े कम मिले, मेरे 50 मार्क्स हैं। 50 मार्क्स फिर भी आरएस टॉपर से ज़्यादा ही है। जी उनके विक्रांत सर से ज़्यादा। उनके कितने थे? 40 47 47 ओके। मुझे ये बताइए जब हम आरएस की तैयारी करते हैं तो उसमें मेन रोल सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता है? जी सर, इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल मेंस का रहता है, मेंस का रहता है। मेंस 800 मार्क्स के होते हैं तो पेपर। मेंस के अंदर भी आंसर राइटिंग का होता होगा? जी आंसर राइटिंग का। तो आंसर राइटिंग के यानी कि मेंस के सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स है उसकी रैंक बूस्ट होगी। जी तो रैंक बूस्ट करने के लिए आरएएस में मेंस में आंसर राइटिंग ज़रूरी है, तो वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, सही तरीका क्या है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो दो अटेम्प्ट दिए तो दोनों अटेम्प्ट में अंतर ये था कि 18 में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, और 2021 में मैंने फोकस मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस में किया, तो इसलिए जो मेरे को रिजल्ट मिला तो बिल्कुल अप्रत्याशित रिजल्ट मिला, मेरा मेरी उम्मीद से बढ़कर रिजल्ट मिला। तो आंसर राइटिंग के लिए सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसके लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज में ध्यान करें कि एक दिन में दो टेस्ट दें आप, क्योंकि एक दिन में आरपी दो? क्योंकि आरपीएससी में एक दिन में दो पेपर लगते हैं, तो आप ऐसा ना करें एक दिन में दो पेपर यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएं, जितने आपको संडे सैटरडे मिले तो पूरे टेस्ट आप कोचिंग्स में दीजिए। इसके अलावा जो भी आप घर पर तैयारी करते हैं तो डेली ये ध्यान रखें कि 2 3 घंटे आप ज़रूर लिखें, और लिखने में भी ये नहीं कि एक जैसा लिखते रहें, उनकी क्वालिटी पे चेक करते जाएं और इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें, और लिखते लिखते ऐसा करें कि आपका पेपर छूटे नहीं, और 3 घंटे में आप पेपर करें, अच्छा भी लिखें, और जो क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो अपने टच में नहीं रहते, अपने कहीं से नहीं पढ़ा, पर राइटिंग स्किल से उन क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, और इसके बाद में अगर आप ये करेंगे तो एवरेज बना के चलें कि लास्ट के महीनों में भी आप 1 पेपर ज़रूर दें घर पे भी। तो ये कब से देना स्टार्ट कर देना चाहिए? जी मैंने ऐसा किया था कि प्रीलिम्स की जैसे नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी का, तब भी उस महीने में मैंने थोड़े मेंस के पेपर दे लिए थे, इसके बाद में जैसे ही प्री का पेपर लगा तो मैंने बिना रिजल्ट के वेट किए आंसर राइटिंग पे फोकस किया, और लास्ट दिन तक भी मैं लिख के एग्जाम हॉल में। डेली के दो दो? हाँ मैंने सैटरडे संडे को दो दो पेपर की प्रैक्टिस की थी, और घर पे लिखे थे पेपर, ऐसे करके 5 महीने में मैंने 70 80 पेपर लिख दिए थे। 70 80 पेपर? जी, और इससे ये होता है कि आपकी क्वालिटी चेक करते जाएं और उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएं, तो निश्चित ही आपको अच्छा लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। हाँ, और अपन ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। खुद करें, जो पुराने टॉपर्स हैं उनकी कॉपी ज़रूर देखें, और उसके बाद में जो अपने कंपिटिटर बच्चे हैं उनकी कॉपी देखें, अपने टीचर से चेक करवाएं, और इसके अलावा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इस वैकेंसी में लगे हुए हैं उनसे करवाएं चेक, और उसके बाद में जो भी वो सजेशन दें उनको अडॉप्ट करें। ओके,
आपके अंदर ऐसी कौन सी तीन क्वालिटी है जिसकी वजह से आप 21 की एज में ही जॉब में लग गए थे? जी सर, इसमें ऐसा था कि मैं शुरू से ही जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड था, मैं साइंस बैकग्राउंड से था पर ह्यूमैनिटीज की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता था, तो मुझे साइंस एकेडमिक से मिला और उसके बाद में मेरी ह्यूमैनिटीज जनरल अवेयरनेस थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसकी वजह से मुझे मैंने पहला वैकेंसी का फॉर्म भरा था और पहले में मेरी जॉब लग गई। ओके, तो आपके अंदर एक तो ये क्वालिटी हो गई जी, और उसके बाद में मैंने हार्ड वर्क किया काफ़ी, और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट सी था, एवरेज स्टूडेंट था, और उसके बाद में मैंने हार्ड वर्क किया और मैंने जो पुराने पेपर थे, हर एग्जाम को पास करने के लिए पुराने पेपर और उसका सिलेबस, उस पर काफ़ी फोकस किया, उससे ट्रेंड को समझा, उसके बाद मैंने कई वैकेंसी दी, वो सब में मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके, और आपके फ्रेंड सर्कल कैसा था? फ्रेंड सर्कल जैसे मैं एक हार्ड वर्क स्टूडेंट था वैसे ही मेरा फ्रेंड सर्कल था, और आज सभी फ्रेंड्स हैं जो अच्छी जगह पर। ओके, तो फ्रेंड सर्कल भी सही होना ज़रूरी है। जी सर, बिल्कुल होना ज़रूरी है कि वो आपको रेगुलर पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ के बारे में, बुक्स के बारे में अच्छा प्रीफर कर लेते हैं वो, और नोट्स अच्छे प्रीफर कर लेते हैं, नोट्स अपन बना सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और जो पेपर्स के बारे में जो स्किल है वो डेवलपमेंट के लिए आप उनसे कुछ सजेशन ले सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन और कि लाइक हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम गांव से, शहर से, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, क्या ये भी मैटर करता है कहीं भी लाइक आरएएस के अंदर तैयारी में या फिर इंटरव्यू में, कहीं भी वो चीज़ मैटर करती है कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जी सर, इसके दोनों ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी रिमोट एरिया से हैं और वहाँ पे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट कमज़ोर हैं तो वो आपको हार्ड वर्क फिर ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी हो रखी है, आपकी स्कूलिंग अच्छी है, कॉलेज अच्छी है, तो उसके बाद में आपको इतना दिक्कत नहीं फेस करना पड़ता, और वो आपको हेल्प, आपको इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है कि आप अच्छे एकेडमिक्स करियर से आए हैं तो आपको निश्चित ही वहाँ पे अलग से कॉन्फिडेंस रहता है और वो आपको बूस्ट करता है। ओके, और सर एक कॉमन चीज़ है कि लाइक जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसा कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जी, ना चाहते हुए भी कई बार हो जाते हैं लाइक, और अगर नहीं भी हो रहे हैं तो ऐसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हो नहीं पा रही है ना जी, लाइक पीछे का भूलते जा रहे हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि साथ वाले आगे निकल गए हम पीछे रह गए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, एक तरीके से कैसे मोटिवेटेड रहें? देखो ये प्रीलिम्स में आती है दिक्कत, तो आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें, और मेंस में ये दिक्कत कम आती है क्योंकि आप अगर सही तरीके से टाइम का यूटिलाइज करें तो वो डीमोटिवेशन उस टाइम में आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वो समय जल्दी से निकल जाएगा, अगर सारे दिन अपन पढ़ते हैं तो उससे स्ट्रेस आता है। दूसरी है, इसके बाद में मैं डेली शाम को जैसे 8-9 बजे के आसपास मेरे को थकान होती थी तो मैं एक पुराने टॉपर का इंटरव्यू जरूर देखता था, जैसे 5 महीने के मेंस रहे तो मैंने रेगुलर ये काम किया है कि एक टॉपर का इंटरव्यू जरूर देखता था, और उसको देखने के बाद मेरे में एनर्जी आती थी और उसके बाद में मेरा 3-4 घंटे का टाइम था वो रात का, वो अच्छा लगता था। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? पढ़ने में सर मैं बताऊँ, मैं जॉब के साथ तैयारी करता था तो मुझे तो जितने टाइम मिलता था मैं पढ़ता ही था, और इसके अलावा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था और पढ़ने में भी पूरा फोकस था, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था इसलिए मुझे और ज़्यादा तैयारी की जरूरत थी, तो मैं घंटों में बताएं तो कभी 7-8 घंटे भी हो जाती थी, कभी 11-12 घंटे भी पहुंच जाता था, पर जॉब एवरेज 9-10 आवर्स में पढ़ा। जॉब के साथ? जॉब के साथ पढ़ाई थोड़ी कम रहती थी, 6-7 आवर रहती थी, और जब छुट्टी का दिन होता था तब 10 आवर्स तक पहुंचता। ओके, तो फिर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार जॉब करके आ रहे थक गए, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, इधर फिर आके पढ़ने लग गए? अगर आप जॉब में हो तो फिर अगर साथ में एंजॉय करोगे तो वो तीन चीज़ों से आप एक साथ नहीं खेल सकते, और अगर आप फ्री स्टूडेंट हो तो आप जैसे 7-15 दिन में एक ब्रेक ले सकते हैं, और वो भी ज़्यादा नहीं, आधे दिन का ब्रेक ले सकते हैं, या कोई मूवी देख सकते हैं जो आपकी हॉबी है वो कर सकते हैं, तो उसके साथ यानी कि डेली पढ़ना जरूरी है। डेली पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें रेगुलर बेसिस पे आप तैयारी करेंगे तो ही आप अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे। अब ये जो एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू देख रहे हैं जी, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि अभी वैकेंसी आई हुई है तो जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है, पिछला मेंस भी उन्होंने दिया है उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो अभी 1-2 महीने मेंस की तैयारी कर लें, उसके बाद में 2-3 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करके प्रीलिम्स पास करें, और जैसे ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लगे तो राइटिंग प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इसमें आप सीधा मैथमेटिशन कैलकुलेशन करें तो लगभग 50% रोल राइटिंग प्रैक्टिस का रहता है, अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप काफ़ी पिछड़ जाते हैं और आपका टाइमली पेपर भी नहीं होता है और पेपर छूट जाता है, तो अभी प्रीलिम्स पे फोकस करें उसके बाद में तुरंत मेंस पे फोकस करें। ओके सर, सो थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया,
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया सभी बच्चों के लिए, आप ये जो कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत साधुवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो आई होप, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और सर ने जो टिप्स दिए वो आपके ज़रूर काम आएगी। जैसा कि सर बार बार बोल रहे हैं, आपको 50% रोल आंसर राइटिंग का है, तो आप उस पर फोकस करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप सर से भी पूछ सकते हैं। और सर से कैसे पूछेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में सर के इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप वहां पे सर को डीएम कर सकते हैं, सर आपको रिप्लाई करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, सर वहां पर भी रिप्लाई करेंगे और मैं भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।